हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सबकी लगातार क्यूरी आ रही थी मेरे भाई, कि भैया फिजिकल डेट बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि एक वायरल नोटिस हो रहा है, जो आप सब जानने के उत्सुक हो, क्या ऑफिशियल है क्या, कि वही डेट आया क्या? तो सुनो मेरे भाई, जितने भी मुझसे जुड़े हुए ध्यान सुनना मेरे भाई। सबसे पहली बात, एक चीज़ समझ लो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो नहीं आया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था क्या कि आपका जो SSC GD का फिजिकल का नोटिफिकेशन सबको ऐसे ही पता चल गया था, रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन फिजिकल नोटिफिकेशन ऑलरेडी ऐसे ही पता चल गया था और वो बात सच हो गया था। और आपके फिजिकल नोटिफिकेशन में देखे होगी कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका फिजिकल है। तो एक चीज़ सतर्क हो जाए मेरे भाई, ये सच है या झूठ है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं मान के चलो कि फिजिकल की प्रिपरेशन आपको अब लगा देनी है। अब एक चीज़ जान लो, जो जो भाई का पेपर है CPO, चाहे आपका फेज 12 का, चाहे किसी भी चीज़ का, तो 3-4 दिन पॉज ले लो, चाहे थोड़े मोरे दौड़ लो, उसके बाद लगातार 1 तारीख से कोई बहाना ही लगातार रनिंग करो मेरे भाई, समझ गए? जिसने भी भाई ध्यान से सुन लेना, और जो फिजिकल की बात करें, जिनके आगे एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इनके आने 2-3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम है, जैसे RPF का तैयारी कर रहे हैं, बाकी किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई चुपचाप जाके रनिंग करो, क्योंकि रनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जिस भाई का टाइमिंग ठीक आ रहा है, उन्हें लगता है कि उन्हें एक दिन गैप करने पे भी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उनकी टाइमिंग अभी 20 मिनट 18 मिनट आ रहे हैं, तो उनकी कोई टेंशन नहीं है, आप एक दिन बीच करके भी रनिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर दिन रनिंग करने का, ठीक है ना? बस यही, बॉडी को हाइड्रेट रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, गर्मी है तो इंजुरी होने का चांसेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है आप सबको, समझ गए? तो सारे भाई ध्यानपूर्वक जो भी फिजिकल करेंगे ध्यानपूर्वक करेंगे, हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ना जरूरी नहीं है, सप्ताह में 1 से 2 दिन दौड़ो, फिर बाकी आप 2-3 किलोमीटर आराम से स्टेप चाहे लंबी रनिंग करो और धीरे धीरे करो, हर दिन टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो सुन लो, फिजिकल का डेट वो रियल है या फेक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा अभी से ही, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, आप सब इतने ज़्यादा तंग हो जाते हो, इतने ज़्यादा कमेंट करने लगते हो, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, ये लाजमी है। आपके गोल, अगर कोई चीज़ गोल है तो उसके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है आप सोचोगे ही, उसे कोई भी नोटिस आती है मुझसे पहले तो आपको पता चल जाती है, क्योंकि मैं उतना मोबाइल देख नहीं रहा हूँ इधर इस साइड इधर। और आप सब थैंक यू सो मच, जो भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं और जो भी भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक और चीज़ मेरे भाई, फिजिकल पे प्रॉपर फोकस कर लो और अच्छी डाइट लो, समझ गए? अच्छी डाइट लेना जरूरी है, जिसके रनिंग अभी भी 24 मिनट के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, 25-26 मिनट तक आ रहा है, उनके कोई दिक्कत नहीं है, उनके वहाँ पे हो जाएंगे। जिनके रनिंग में अभी 26 मिनट के पार 27-28-29-30 मिनट तक जा रहे हैं, वो थोड़े से इंप्रूवमेंट करेंगे, उनके भी हो जाएंगे। जिसके 30 मिनट से बाहर जा रहे हैं, समझ लो मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है, और लगातार अच्छी डाइट आपको लेना पड़ेगा। ऐसे तो अच्छी डाइट सबको लेना पड़ेगा, लेकिन आपकर खासकर उस बच्चों का जिसका 30 मिनट के बाद आपका रनिंग आ रहा है, 31-32-33-35 मिनट आ रहा है, तो सोच लो मेरे भाई, आपको वहाँ पे भी रनिंग नहीं कर पाओगे, तो अभी से ही ध्यान दे लो, प्रॉपर आपको अच्छी रनिंग की जरूरत है, ठीक है? जिसका टाइमिंग 24 मिनट 23 मिनट 22 मिनट 18 मिनट 17 मिनट 25 मिनट तक आ रहा है, 26 मिनट तक आ रहा है, तो टेंशन ना लो, आपकी रनिंग हो जाएगी वहाँ पर, समझ गए? तो मेरे भाई, ये जितने भी नए नए इन्फॉर्मेशन आएंगे वो सब आपको मैं बताता रहूँगा, साथ के साथ जो भाई चैनल पर नए जुड़ेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, सब समझ गए? और कोई डाउट आपको बचती है तो टेलीग्राम से जरूर जाना, ठीक है ना? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे रिजल्ट आती है, कुछ भी आती है, नया इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सबको मैं दे दूँगा, ठीक है ना? तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।